सतनो वाहिगुरु साहिब जी तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा तू साहिब गुणी नदाना तुम्हारी महिमा वर्ण न सकूं तू ठाकुर ऊच भगवान ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्यों बुलावे तो बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संगत नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी अगम अगोचर सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा वाहिगुरु साहिब जी मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लखाया लेख दात जोत बढ़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसम पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर सड़ने रह न कोई किस खा जाए किस तर जाइए जे बहोड़ दुनिया आइए सज काया पाट हंडाए फरमाए स बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोबे हाथी पौधे काहे रोबे कर घूमण बाणी पाई पाप पत्थर तरण न जाई पाओ बेड़ा जियो चढ़ाओ कहो नानक दे बैकाहो पाप पत्थर तरण न जाई कर कुमन बाणी पाई पाप पत्थर तरण न जाई पाओ बेड़ा जियो चढ़ाओ कहो नानक देव काहो परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी बड़भागी हां सतगुरां दी अपार बख्शिश हुई है सानू अमृत वेले सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ करके साहिब जी दी अमृत वाणी पढ़न सुनन और समझन दा सुभाग समा प्राप्त होया है सवाव कुछ क समा अपनिया मनोबिरतिया नू इकागर करदे होए गुरु रहमत सदका जो आपां एक ओंकार तो लड़ीवार
पावन गुरबाणी विचार सहित सरवण करते आ रहे हैं। गुरु कृपा सदका चल रही लड़ी वार गुरबाणी विचार दे नाल जुड़न दी खेचला करिए। जो पावन पवित्र शब्द जाप सरवण कीता है, जिस दी असां विचार करनी है, ये पावन पवित्र शब्द जाप धन गुरु नानक देव साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र रसना द्वारा उचारण होया हुआ, जो कि मारू राग दे विच सशोभित है। सतगुरु जी इस पावन पवित्र शब्द दे विच रहमत करदे आ, सानू समझाउंदे आ कि ऐ प्यारियो, उस परमात्मा ने, वाहिगुरु जी ने, परमेश्वर ने सानू आ सोहना जीवन दिता है, आ जो जामा मिलिया मनुखा जीवन, इहदे विच आके साहब जी कहिंदे ने उस वाहिगुरु दीआं वडियाईआं करी, उस मालिक दा नाम जपिए, उहनूं ध्याउणा करिए, इस शरीर नाल चंगे कर्म कमाउणा करिए, ताते इस जीवन की सफलता है। साहब कहिंदे आ भी ऐ प्यारियो भी इस जीवन का माड़ ना करिए, क्योंकि मनुखा जामे नूं ही मेरे मालिक ने मत बुद्ध दिती है, स्वतंत्रता आजादी दिती है। बाकी तमाम जोना ने जिहड़ियां सारियां आपां वेखदे आं, ये सारिया ही उस मालिक की एक कह लिए भाव भावना विच ने, कानून कुदरत मर्यादा विच ने। एक आ शरीर साडा ही है, कह लिए मनुखा जम, जिहड़ा बिरलिया नूं छड के माण मर्यादा नूं समझदा, कुदरती निजमां नूं समझदा है, नहीं तां ये जीव है जिहड़ा भाई माण विच फसिया होया है, हंकार विच फसिया होया है, विषय वकारां विच। ये पंज जिहड़े मालिक ने आखणा कीता, विषय ने जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां दी लपेट विच है। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, सब तो वड्डा जिहड़ा ये विषय कह लिए माण वाला हंकार वाला जिहड़े इस विषय विच पै गए, वह भावें अपने आप नूं संसार विच क्यों ना पूजे जांदे होण, देवते क्यों ना होण, ब्रह्मा जी वर्गिया ने भी सतगुरां ने उदाहरण दिती है। साहब कहिंदे ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया। ब्रह्म गर्भ किया, कहने ब्रह्मा जी ने भी गर्व किया, माण किया, होर भी बेअंत भाव के अपा कोई विरला ही होगा जिन्हों पूजा जाता, देवते कहा जाता, वह भी इन्हों विषया आ गए, उन्होंने भी ये विषय हैवी हो गए, किसी से क्रोध का, किसी से काम का, किसी से लोभ का, किसी से मोह का, किसी से हंकार का। सतगुरु जी कहते ऐ प्यारियो, माण मुनि मुन मर गले, माण सबे को खाए। इस माण ने, इस अहंकार ने, साहब कहते बड़े मुनिवर मुनीसर जिन्होंने कहा गया, वो लोग भी इस विषया ने गाल दिते ने, भाव कि उन्होंने जीवन भी बर्बाद कर दिता। ये दो विषय तो बहुत बड़ी आख्या पातशाह ने। साहब कहने एक तो भाई काम वासना का, एक है जिहड़ा हंकार क्रोध का। साहब कहने काम क्रोध बाणी विच बचन ने साहब दे, सतगुरु कहने काम क्रोध काया को गल है, काया शरीर नूं कहिंदे आ भी गाल दिंदा, किवें गालदा, उदाहरण दित्ती। साहब कहिंदे आ ज्यों कंचन सोहागा ढाल है, कंचन सोनी नूं कहिंदे आ,
पासा कह रहे जिमें भाई सुनियारे वीर सुहागा ला के सोने ता दिंदा ना पानी बना दिंदा सोने का। इं पासा कह रहे ने आ शरीर यह विषय आ जोड़े इं खराब करते हैं। इस करके अज का जोड़ा बचन साहब जी ने शब्द में कृपा की है जो रहाओ वाला बंद है शब्द का। साहबा कहें मूर्ख मन है मूर्ख मना क्योंकि जोड़ा सियाना ना सियाने तो आम कहा जाता भी असारे की लोड़ होंगी असारा ही काफ़ी होंगे पर जोड़ा मूर्ख हो बेसमझ हो उन्होंने बड़ा खपा कई होना पड़ता समझाने नहीं। इं पातशाह कहते ये मन मूर्ख है इनू भी बड़िया उदाहरण बाणी एक ओंकार तो 18:10-20 तक साहबा ने सानू उदाहरण दे के समझाया भी किसी ना किसी तरीके इस जीव का भला हो जाए ये मन है जोड़ा भाई समर जाए ये मन है जोड़ा मालिक नाल जुड़ जाए। पर फिर भी गुरु प्यारियो आप वेखते हाँ मन फिर भी नहीं मन का नहीं स्थिति करके अज तो आप वेखते हाँ भी गुरु की बाणी के उपर भी बड़ा कुछ हो रहा कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता आपो अपने भाव के पुरातन समा सी बाणी नालों तोड़न दे लई जालम बड़ा जतन करते पर रब दे प्यारे गुरु के सिख बाणी नालों टुटे नहीं। उन्होंने बड़ा जोर लाया बड़े तसीहां तशद्दतां तक कीता पर अज ऐसा दौर हो गया अज बहुता कुछ करन दी लोड़ नहीं साढ़े भेसां विच ही कह लई आपां भी ऐसे आ गए गुरु प्यारियो जिहड़े बाणी दे अर्थी होर बना के होर तरह ही कर करके भाव के साडे सामने पेश करके सानू बाणी नालों तोड़ी जा ते असी बाणी नालों टुटी भी जा रहे हैं। जबकि मेरे मालिक ने आखना किया है भाई गुरसिखा तेरा जीवन ही गुरबाणी ही है गुरबाणी नाल जुड़ करके तेनों असल करके जाना आवेगा असल करके। इस करके मालिक ने कहा भी नहीं कहा गुर मिल चज आचार सिख गुरु नूं मिल किहड़े गुरु नूं मिलना गुर शब्द गुरु नूं मिलना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं मिलना इस बाणी नाल मेल करना जीवन का मिलांगे चज आचार सिख लांगे। चज कहिंदे ने ढंग तरीके नूं आचार कहिंदे आचरण चाल चलन जिहनूं आपां कहिंदे आ वी इह सिखणा जे सिख गए पातशाह कहिंदे आ तुद कदे ना लगे दुख अज दुख क्यों नहीं इसे कारण करके ने खैर सुरह विचार पासा कहने ए प्यारिया गुरबाणी नाल जुड़ के चल क्योंकि गुरबाणी है जड़ी साहब कहंदे आ गुरबाणी इस जग में चानना गुरबाणी सानू जगत दा यह कह दिए भी गुरबाणी चानन मनारा क्योंकि चानन नाल ही सब कुछ दिसदा हुंदा ना रात्रि निंगी है जदों नेरी रात हुंदी है कुछ नहीं दिसदा रात्रि नूं वैसे ही भाव के निगाह साडी है जिहड़ी चानण तो बिना काम नहीं करदी। इउं ही भाव के साहब ने आखणा कीता प्यारिया गुरबाणी तो बिना तैनूं चानण नहीं होवेगा चानण दा भाव ज्ञान नहीं होवेगा तैनूं भले बुरे दा चंगे माड़े दा सच झूठ दा भेदभाव पता नहीं लगेगा। इस करके पातशाह कहिंदे आ गुरबाणी नाल जुड़ना कर प्यारिया चानण मनारे विच रहेगा ना तो चंगा होगा नहीं नेरे विच तां की कुछ हुंदा पर सब वेखदे आ जाणदे आ सुणदे आ नेरे विच भावें साडा अपना साजो समान हुंदा कीमती साडे सुखां दे साधन बनाए घरां विच सुखां दे साधन ऐसो आराम लई पर जे नेरा होवे कि ना नेरे विच उह भी साडे लई दुखदाई बन जांदे आ वह भी भाव के असी सट फेट उन्हों भी खा लें नेरे विच चानण विच पता लग जाता उन्होंने सुख लै लें। यो ही संसार है गुरु प्यारियो संसार दे विच मालिक ने तो कृपा की है जो कुछ पैदा किया है वह साधन साडे सुखां दी ने पर जिन्ना चर नेरे विच सुख साधन ही दुखदाई बनी जा रहे हैं जिन्ना चर ज्ञान नहीं है। इस करके पातशाह कहने प्यारिया ज्ञान लै लै
ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਘਨਾ ਭਾਈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗ ਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ, ਚੰਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੌ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸੌ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਘਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਚਾਨਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੀਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆ ਮਨ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਧੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਆਏ ਆ ਹਨੇਰੇ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਆਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਖਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਜਾਲਾ ਪਿਆਰੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ,
अगे कहिंदिया जो प्रभ को मिल वेओ चाहे, जिहड़ा मिलना चाहुंदा मालिक नूं खोज शब्द मैले। कहिंदे भाई शब्द की खोज करो, शब्द की खोज करनी है। खोज का भाव कहिंदा भी शब्द वेखना सानू कहिंदा की है, शब्द द्वारा सतगुरु सानू समझाउणा की चाहुंदे है, शब्द द्वारा साडे मन नूं किधर नूं तोरदिया मालिक, वह खोज भाव खोज करनी है शब्द की। ठीक है बाणी आपां पढ़दे हां, पढ़नी चाहीदी है, पढ़न तो बिना भाई खोज भी नहीं आउणी, समझ भी नहीं आउणी। पर साहब की कहिंदे आ खोज, खोजिया कर भाई खोज। जे शब्द दी खोज करेगा तो इथों ही मालिक ने मिल पैना, यह शब्द द्वारा ही अंदरों ही मेरे मालिक ने प्रगट कर देना है सुरह विचार। इस करके साहब कहिंदे आ ऐ प्यारिया जे शब्द नाल जुड़ेगा, शब्द ही ज्ञान देणगे भी ऐ प्यारिया संसार विच आया, आ मनुखा दे मिली है तेनू, एक मालिक नू मिलन लई मिली है, परमेश्वर नू मिलन लई मिली है, दुनिया ते सब जीवां दा भला करन लई मिली है, क्योंकि तेनू ए सारी सृष्टि दे जीवां दा राजा बनाया, सिरमौर बनाया। पासा ने वचन कीते है वि 84 लख जोन सवाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। कहने मनुख नूं वड्याईयां दित्तियां ने, 84 लख जोन मन्नी गई है भावें, पर 84 लख दे विचों साहिब कहिंदे मनुख जामे नूं वड्याईयां दित्तियां ने। पातशाह ने कह दिता अबर जोन तेरी पनिहारी, पनिहारी का भाव की है, अबर का भाव भी होर सारियां जोनियां ऐ बंदिया तेरा पानी भर दियां ने, आपां वेखदियां ना ये बंदे का पानी भर दियां सारियां जोनां, पानी भरन का भाव की भी हुक्म में चलदियां ने। इस बंदे ने तो हाथी शेर चिट्टे भगियाड़ आदि सारे जीवां नूं अपने बस विच कीता होया, सब मनुख तो डरदे आ। भाव के पातशाह ने यह वचन कीते है भी अबर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में आ धरती ते पातशाह कहने तेरी सिकदारी, सिकदारी का भाव है भी तेरा सिक्का चलता, सिक्के का भाव कहिंदे भी हुक्म चलता। इस करके सो साहब ने सानू समझाउणा कीता प्यारिया भी आ तेनू संसार विच भेजिया मेरे मालिक ने, मनुखा जन्म दिता, किवें किवें तेरा आउणा होया ये भी दस्या जिहदे शब्द विच सतगुरां ने। पर साहब कहिंदे ने आ शरीर लैके बेकी किते इहदा माण ही करदा तुरे फिरे, इहदे नाल गलत पासे चल पवे, इहदे नाल धक्के साइयां करदा फिरे ना, पातशाह कहिंदा बेकी किते भुल के भी माण ना कर ली। रहाओ वाले बंद विच पातशाह यही आख्या मूर्ख मन काहे कर से माणा, कादा माण करदा भाई आ शरीर दा, यह शरीर की है, शरीर नूं समझना कर। पातशाह कहिंदे ने इहदा माण ना कर, रहो विचार भाव हुण समा इजाजत नहीं दिंदा विस्थार विच जाण लई। पातशाह कहिंदे आ मूर्ख मन काहे कर से माणा, कादा माण है भाई, उठ चलना। पातशाह कहिंदे ने खसमे भाणा, ओ खसम दे भाणे विच पातशाह कहिंदे इत्थों उठ के भी चले जाणा, बड़े संसार ते आए। पातशाह कहिंदे ने जिस आसन हम बैठे, कदिया सोच रखिया कर भी जिहदे आसन ते अज मैं बैठा कना, केती बैठ गए, केती केती दा भाव किन्ने ही बह के वागे ने, आ आसना दे उपर जिन्हां ते आपां बैठे हां अज कना, जो अहुदेदारियां ने, जो रुतबे ने, जो मरातबे ने साडे कोले अज, असी अज हुई नहीं भी अज असी संभालिया ते जदी सृष्टि रचिया जदी असी हुई हां, ये नहीं कदे मन च। पातशाह कहिंदे सोचिया कर, विचारिया कर, विचार करके वेख भी जिहड़े आसन ते अज तू बैठा प्यारिया ऐ मन मेरिया ते इत्थे तां बड़ी बैठ के बागे, तू भी सदी भी नहीं बैठना, तैं भी चले जाना। जदों मालिक दा भाणा उहदा हुक्म आया ते इसे करके पातशाह कहिंदे माण कादा भाई, माण ना करी। माण वालिया दा साडे सामने भी नक्शा रखिया पातशाह ने, इत्थे जिहड़े मैं करदे सी कहना। पातशाह कहिंदे ने मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन ते भाई, दुर्योधन वर्गे बड़ा हंकारी राजा आख्या गया दुर्योधन, बड़ा भाव दा जदों आपां इतिहास वेखदे आ, बड़ा माण, समय दा अवतारी पुरश कृष्ण जी महाराज समझा के थक गए, ओए राजना
भाई धक्के साइया निकलियां पर ना मनिया मनिया नहीं आख्या सी तेरे ही भरा ने पांडव थोड़ा जा इनू पांच चार नगर दे दे जिन्हां नाल इन्हां दा भी राज भाग चलदा रहेगा। कहना ना ना ये नहीं हो सकता। मान सी अपने आप ते कहना युद्ध कर लैण जित के बेशक सब ही लै जाण उदां नहीं मैं दिंदा पर मेरी मेरी करन वाला वो कहना सी सब को मेरा जितया हुआ ते मेरी अंडर च है मैं नहीं किसी नूं कुछ देना। पासा कहने ने मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन ते भाई बारह जोजन सतर चलै था देही गर्जन खाई बारह जोजन भाव इन्ना लंबा भाव ओदा हुक्म चलदा सी राज सी ओदा जिधर नूं जांदा सी सिर ते सतर झूलदा सी ओदे नमस्कारां करदी सी दुनिया खड़ खड़ के पर हालत ऐसी होगी। पासा कहने ने वो भी उस राज दा मालिक सदा नहीं बनिया रहा। हालत भी गंभीर दसी पातशाह ने देही गिरजन खाई गिरजा ने देही कहने खाधी दो भी अर्थ किते जांदे आ भाव कि गिरज ना खाई भी कहा जांदा जे खाधी ता भी नरादरी है प्यारे ओ राजा सी ऐसा राजा भी देही नूं गिरजा ही खा गया जे ना खाधी ता भी नरादरी है भी पशु पंछियां दे कम नहीं आई देही ऐसा राजन। सो पासा कहने प्यारियो माण नहीं करना चाहिदा है माण करन वालियां दा। पासा ने साडे सामने ये शब्द रखिया है देही गर्जन खाई दरवासा स्यों करत ठगौरी जाब दब ए फल पाए। पासा ने आखना कीता जादवा ने भी मस्करियां कीतियां दरवासा जिया नूं वो भी शराप लै गई उन्हां दे भी सारी कुल नाश हो गई प्यारियो। इहो ही भाव के सारिया का इतिहास सतगुरु दस दिया रावण वर्गियां दीआं गल्लां करदे ने साहिबा भी रावण भी सर्ब सुन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पे हो दर वाधे हाथी खिदमै पही पराई। भाव के सतगुरां ने समझाया भी माण करन वाले भाई इत्थे रहे नहीं है ना किसे रहना है। फिर भाई माण का दा पासा कहने मन मूर्ख काहे कर से माना उठ चलना खसमै भाणा। उस मालिक दे भाणे विच सदी भी नहीं इत्थे रहना चले ही जाना है जदों उहदा हुक्म आया क्योंकि कल्ली आवे नानका सदी उठी जाए। आपां पढ़दे हाँ सरोह विचार आओ सतगुरु जी सानू समझाउंदे आ प्यारिया तू किवें संसार ते आया है काहदे लई आया ते की करना सतगुरु सानू समझाउंदे ने इस शब्द विच। आओ हुण विस्तार विच ना जाईए आपां आरंभता तो जो साहब कृपा करदे आपां समझण दी कोशिश करिए जी। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करत लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई। पासा कहने ने मिल मात पिता कहने है प्यारिया माता पिता दा मिलाप होया पिंड कमाया कहने ता तेरा शरीर शरीर बनिया ता तू संसार ते आया तिन करत लेख लिखाया उस करते वाहिगुरु ने लेख लिखाया है। यही आप कह लिए जो बाड़ी विच साहब कहंदे आ भी जदों तू संसार ते आया जदों तेरी पैदाइश हुई है उस मेरे वाहिगुरु ने लेख लिखिया। एक केड़ा लेख लिखिया बाड़ी विच आप पढ़दे आ मरण लिखाए मंडल में आए। पासा कहंदे तेरा मौत दा समा लिखिया गया मुकरर होया तू संसार ते चलिया भाई तेरा जन्म हो रहा जिहदा जन्म होया। पासा की कहंदे जन्मं ता मरणं कहंदे जन्म तेरा ता होया जन्मं ता पासा कहंदे मरणं तू भाई मौत तेरी मौत होनी है जन्म होया तेरा मौत लई होया है पर असी की कहने साडा जन्म होया जी कहने आया संसार ते खाइए पीए ऐसा आराम करिए आ कुछ कहने पर पासा कहने तेरा जन्म होया ता तै मरना भाई मौत आनी है तेरी संसार ते चंगे तरीके नाल कर्म करिया कर गुरु तो मत लेके चल गुरु दे उपदेश दी कमाई कर भला होवेगा नहीं तो अगे बड़ी बार जन्म होया तेरा ते बड़ी बेर मौत हुई है।
क्योंकि संसार विच सतगुरां ने साडे सामने बाणी द्वारा सानू समझाउणा कीता। बड़ी बारी आपां वचन पढ़दिआं सतगुरां आखणा कीता वी अज ही तेरा जन्म नहीं होया प्यारिआ, किते भलीके विच ना रही, तेरा जन्म बड़ी बार होया। कैसे जन्म होए साहब ने आखणा कीता, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो, कई कई जन्म इहो जे कीड़े मकौड़िया दे हाथी मसियां मीण आदि दे होए ने। पातशाह कहिंदे अज मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरंकाल ए दे संजरिया। कहिंदे मिल मालिक नूं मिलणा कर, मिलण दी तैनूं बारी मिली है, क्योंकि नीति आपां पढ़ी जांदे आ सुनी जांदे आ। पातशाह कहिंदे आ भई प्राप्त मानुक द्योरिया, गोविंद मिलन की तेरी वरिया, मिलन लई मिलाप करन लई तेनू आ समा मिलिया। पातशाह कहिंदे बड़े चिरां बाद मिलिया, छेती नहीं बड़े चिरां बाद। जे इतिहास नूं मन्नदे आ आपां ना तां गुरु नानक साहिब दा इतिहास आपां पढ़दे हां सारे। भाई मूला जी साहिबां नाल मिलाप होया, जिन्हें किसे समय सच ते झूठ दा सौदा भाई मरदाना जी नूं देना कीता, साहिब दे संग जुड़िया ते जुड़िया फिर मोह ममता दे विच पै के गुरु प्यारियो साहब तो ओला कर लिया, ते साहब नालो विछोड़ा पै गया, मौत होई सब जानदिया। इतिहास पढ़दिया विस्तार विच ना जाइए आपां, टूक मात्र भाव के घर परिवार वाले लैके गुरु नानक साहब दे चरणां च पातशाह सी भुल गए सां, असी झूठ ना जुड़ गए, पातशाह जी असी तुहानू पछाणिया नहीं, आ विछोड़ा पै गया सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी कृपा कर दिओ, मिलाप कर लिओ, रहमत कर दो, बख्श दो। ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने आखना कीता सी प्यारियो हुण ये कर्म हो गया है, भाणा वापर गया, हुण उस मालिक दी रजा विच असी कुताई नहीं कर सकते। कहिंदे पातशाह कृपा करो, बख्शो। पातशाह कहिण लगे बख्शांगे जरूर भाई, इन्हें संगत कीती है, बख्शिया जाएगा, पर इहनू झूठ जो बोलिया, जो झूठ ममता मोह दे ठंडिया विच पिया इन्हू भुगतना पवेगा, इन्हू दसवें जामे विच बख्शा जाएगा। इतिहास आपां पढ़दे आ नदेड़ साहब दा, हजूर साहब दा, उत्थे सकार घाट गुरुद्वारा साहब बनिया होया, उत्थे भाव के उस मूले दी आत्मा दा उधार होया। फिर किन्ने फेर पए ने किते गुरु नानक साहब महाराज तो लैके दसम पातशाह तक, किन्ना समा, तीन सदियां भाव। यह आप कह लिए भी एदा बीत गया समा इन्ना, ते जाके फिर उत्थे आधार होया, भाव की इतिहास जिहड़ी कथा है कहानियां ने यह सानू समझाउण लई पातशाह ने कृपा कीती है भी वेखो भाई जे मालिक नालो टुट गए हाँ, भुल गए हाँ, झूठ बोले हाँ मालिक नूं, ते की हसर होया, किन्ने फेर पए ने, फिर जाके किते मिलाप, फिर जाके किते उधार होया। पातशाह इस करके कहिंदे भी जन्म होया भाई, मौत ता आई जाणी है, पर मौत तो पहला पहला कुछ सवार लै, अपना मालिक नाल मिलण दा कोई साधन बना लै, गुरु की संगत कर लै, बाणी पढ़ लै। सतगुरु जी कहिंदे ने भाई ये लेख ता तेरा मुकरर है, लिखिया होया है, ये सच दा सौदा देण लग्या। मूला जी भी आखणा कीता सी भाई जिउणा झूठ है ते मरना सच है, इत हूं सच्चा लेख। पासा कहने मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया, उस करते ने लेख लिखिया होया, लिख दात जोत वड्याई, मिल माया सुरत गवाई। पासा कहने लेख भाई वो मालिक ने तेनू आ दात दिती है, आ भी दात ही है प्यारे, जिहड़ा सानू शरीर मिलिया मनुखा जम, वो वाहिगुरु की कृपा हुई है, मेहर हुई है, नहीं बड़े जिया जंत तुरे फिर उधर भी जा सकते असी, ये तो पातशाह ने रहमत की है, सानू आ दात दिती है। वैसे आप सारे कहनी कहना भी बच्चे की दात दिती मालिक ने, दात है आ शरीर दाता ही नहीं, पर इस दात नू पातशाह की कहने ने भी ये दात मिली है, ये जिहड़ी जोत है भाई उस जोत दियां वडियाइयां कर, उस मालिक दियां वडियाइयां कर जिन्हें कृपा कीती है। पर इत्थे की है सतगुरु जी कह रहे ने इन्हें ओ दात नूं भुल गया, जोत नूं भुल गया, वडियाइयां करनियां भुल गया,
इनू माया मिल गई पातशाह कहने मिल माया, माया ने की करता सुरत गवाई, यह सुरती गवा के बह गया माया दे विच। सतगुरु जी कहने ये मोह तो के बह गया, इन्हें वह भुलाई दिता सब कुछ। माया किस तरह लगी सतगुरु जी बाणी विच दसदे हैं। साहब कहने ने पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवे खान पीन की तात, सेवै काम न पुछै जात, सतवे संझ किया करवास, अठवे क्रोध हुआ तन नास। इदा चलता गया कम, ये माया रूप बटाउंदी गई अपने, क्योंकि माया असीं तां पैसे नूं ही कहने आ, पर आ माया दे रूप दस दिया सतगुरु जी भी माया भाई बड़े प्रकार करके आउंदी है, बड़े रंग रूप रेखने दे माया दे। क्योंकि बाबा जी भी बाणी विच आखणा कीता है, कबीर साहब महाराज जी नूं किसे पुछणा कीता भी बाबा तुसीं कहने हो माया तो बचो, अज भी बड़े सवाल करदे आ महापुरशां नूं, ज्ञानी लोकां नूं बड़े सवाल करदे भी नाले कहंदे आ भी माया भाई ये तो बचना चाहिए, कहने नाले माया तो बिना सार दे नहीं, असीं केवल पैसे नूं माया समझा होया, पर पैसा तो पातशाह छेवें पातशाह दे बचन पढ़ के देखिए उन्हें आखना कीता सी माया गुजरान है, ये गुजारे लिए भाई गुजारा तो बिना चलता नहीं। पर माया जिहड़ी वह माया की गल करदे आ पातशाह, वह माया आ जो आप पहला शब्द पढ़िया ते बाबा कबीर साहब महाराज जी ने भी आखना कीता किसे जिग्यासू कहने बाबा माया की तुसी गल कर दे, तुहाडे कोल नहीं आउंदी माया, तुहाडे ते है भी नहीं आउंदी, तुहानू नहीं डंगदी है, तुहानू नहीं ग्रसदी, क्योंकि बाणी विच साहब ने आखना कीता माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, कहने माया ऐसी है ममता है। हुण जे कितें विचार करिए आपां समझ आएगी ममता, ममता किहनू कहिंदे आ मोह नूं, आपां कहिंदे आ वी फलाणा फलाने की बड़ी ममता करता जी, फलाने की ममता बड़ी मन में आती है, ममता मोह नूं कहने आ, ते मोह ही साडे लई माया जाल बन जाता। ते पातशाह कहिंदे ने भी ए प्यारियो ये माया जिहड़ी माया ममता मोहनी जिन बिन दंता, इहदे दंद कोई नहीं दिसदा, बिन दंता जग खाया, पातशाह कहिंदे कोई बचिया भी है, कौन बचिया, पातशाह कहिंदे मनमुख खाधे मन आईया करन वाली इन्हें सब खा ले, सब इहदी ग्रस विच ने, सब इहदी लपेट विच आ जांदे आ, मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिहड़े गुरु की मत लैके चलदे आ, गुरु साहब के बचना मतलब चलदे आ, साहब कहिंदे उभर जांदे, उभरदा भाव बचना, वह बच गए ने, किहड़े बचे जिन सच नाम चित लाया, जिन्होंने सच्चे नाम नाल चित नूं लाउणा कीता, चित करके जुड़ना कीता। रहो विचार बाबा कबीर साहब महाराज ने जदों सवाल किया बाबा तुसां तुहाडे कोल नहीं आई माया, आउंदी नहीं, तुहाडे ते है भी नहीं हुंदी, ते बाबा कबीर साहब महाराज जी कहिंदे कबीर आई मुझे पै, कहिंदे साडे कोल भी आई भाई, अनक करे कर भेस अनेक भेसा विच आई, प्योनी कली भी आ माया करंसी हुई आई, बड़े भेखा विच बड़े इन्हें रंग रूप करके आना कीता साढ़े कोल, पर की होया बाबा कबीर साहब महाराज कहिंदे ने कबीर आई मुझे पे अनक करे कर भेस हम राखे गुर अपने, कहिंदे साडा गुरु साहब तकड़ा, असीं उस तकड़े गुरु नाल जुड़े हुए हाँ, साडा अपना गुरु है जिहड़ा बड़ा ताकतवर आ, उहने सानू बचा लिया रख लिया है, हम राखे गुर अपने, ऐसी रख्या कीती गुरु साहब ने, उन कीनो आदेश कहने उन्हें सानू आदेश कीता जिहड़ी आई साडे कोल बड़े भेक करके। आदेश दा भाव की हुंदा नमस्कार, कहने वो माया सानू नमस्कार ही करके गई है भाई, आई बड़े भेक करके डलाउण लई, पर डुलाया नहीं गया। इतिहास बेअंत ऐसे पुरातन गुरसिखा दे इतिहास ने, रब दे प्यारियां दे इतिहास ने, बड़िया ने रब दे प्यार नूं डलाउण दी कोशिश कीती बड़े भेखां विच, पर जिन्हां ने गुरु ते दृढ़ विश्वास कीता होया सी, मन करके जुड़े सी चित करके, वह बच गए, नहीं तो मनमुख खाधे पातशाह कहिंदे सारे खा ले ने। सरोह विचार इत्थे पातशाह कहिंदे लिख दात जोत वडियाई मिल माया नूं माया मिल गई, ते पातशाह कहिंदे सुरत गवाई, यह तो माया विच ही अपनी सुरती गवाई फिरदा। बड़िया नूं वेखदिआं संसार दे विच गुरु प्यारिओ जदों थोड़ी जी माया आ जाती है सुरत टिकाणे नहीं रहिंदी साडे अरगिआं दी,
फिर गल्लां होर तो होर ही बन जांदियां ने, फिर दिख तौर सब कुछ बदल जांदा है। कोई विरले ही ने जिहड़े उस मालिक दी रजा विच रहिंदे आ, जिहड़े लखां करोड़ां अरबां पति बन के भी हिरदे घर विच निमरता रखदे आ, उह विरले है। जिहदे प्रथाए पातशाह ने आखणा कीता भी गुरमुख रिदै गरीबी आवै, ये भाई साहब के बचन ने गुरदास जी आंदे, वह कहिंदे जिहड़ा गुरमुख है भाई गुरु साहब नाल जुड़ के चलदा ना, उहदे हिरदे विच गरीबी आ जांदी है, वह माण नहीं करदा, वह हंकार नहीं करदा। नहीं तो बहुत आत गिणती साड़ी यही वे भाई भाई कोई 4% आ गए किसी को ना, बोली बदल जाती है। संसार भी फिर उदा का ही है। आम आप कहावत पढ़ते हैं भाई भाई कोई गरीब है, नाम परस है, तो उन्होंने की कहा जाता, उन्होंने कहते हैं परसू, परसु भाव नाम नहीं कोई सीधा लेंदा, परशुराम भावे हो गए, तो फिर कहना थोड़ी माया आ गई परसा कह लग जा, थोड़ी बद गई परशुराम, परसु परसा परशुराम, ये आम कहावत बड़ी हो जा। कहने माया तेरे तीन नाम, कहने तीन नाम नहीं, इदा ही भाव के जिहड़े कोले आउंदी है कोई बिरला है जिहड़ा सही तरीके नाल चलदा, नहीं तो जो अज मालिक कह रहे ने भी सुरती विगड़ जाती है भाई, सुरत गवा लैंदा मिल माया, सुरत गवाई पासा। कहने मूर्ख मन काहे कर से माना, उठ चलना खसमे भाणा, जार दवाउंदिया गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे ऐ मन मूर्खा काहदा माण करदा, इत्थों उठ के चलिया जाणा, इत्थे कौरू वर्गी आए इत्थे बड़े जिन्हां ने माया जोड़ी, 40 गंज जोड़ी कहिंदे इत्थे, उह भी सड गए, बड़े आए संसार ते सिकंदर वर्गे बड़ा कुछ जोड़िया, सब कुछ सड गए, भाव कोई नहीं गुरु प्यारे कुछ नाल लेके गया, तो फिर माण कहदा। ये तो शुक्र करिए मालिक का भी जिन्हें ये सानू दातां दित्तियां ने, जिन्हें सानू सहूलतां दित्तियां ने, जिन्हें साढ़े ते कृपा करके खुशियां बख्शियां ने, उस वाहिगुरु का शुकराना करते रहिए, शुक्र गुजारीए, ना कि इस मालिक नालों भुल जाइए। बहुत तात गिणती तो ही है, थोड़ी माया कोल आ जांदी, इस तां मालिक दे ये कह लिए भी मालिक नूं ही भुल जाने, फिर सानू भाव के बड़िया शर्म आउंदी है। आला कहिंदा भी एडा तनाड़ हो के गुरु की संगत विच बैठा, ये बाणी पढ़दा, ये संगत गुरु घर नूं जांदा, भाव के इदां दे साडे मन विच असीं शर्मसार हुंदे आ, माया आ गई कि ना, तां बड़े कहणगे भी इत्थे तां गुरु घर तां कहिंदे लोड़वंद ही जांदे आ, जिन्हां नूं कुछ चाहीदा मंगण लई जांदे आ, मंगणा गुरु प्यारिओ गुरसिख हर समय मालक दा भिखारी बन के रहना, क्योंकि पातशाह ने आखना किया सानू समझाउण लई वी इह मेरे मालका हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, ऐ पातशाह असीं तेरे सदीवी भिखारी हाँ, तू निज पत है, तू सारी भाव कह लिए जायदाद संपत्ति का सृष्टि का तू मालिक है, ऐ पातशाह साढ़े ते रहमत बना के रखियो, कृपा करियो, हो दयाल नाम दियो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, पासा आ साड़ी मांग है, साढ़े ते दया करते रहो, नाम दी दात बख्शिश करियो, नाम नाल जुड़ करके सदा ही असी आनंद विच रहिए। आनंद विच पासा कहिंदे है भई नाम दोबारा ही रहा जांदा भाई, माया नाल नहीं रहा जांदा, बड़े करोड़ां पति भी बड़े दुखी ने, बड़िया नूं दुखी वेखिया जांदा, भाव के माया नाल शांति नहीं मिलती, माया नाल सुख नहीं मिलता, जे सुख शांति आनंद माया नाल मिलता होवे कि ना, फिर तो बड़े 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 लोगों नूं रोग ही ना लगन, कोई चिंता बिगड़ी ना होवे। मालिक ने तो आखना किया है भाई माया वाला तो बहुता चिंतक हुंदा है, बहुता चिंता, क्योंकि पातशाह ने यह बाणी विच आखना किया जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिहदे घर विच बहुती आ गई कहिंदे उत्थे चिंता भी बहुती खड़ी हुंदी आ संभालण लई। अज तां वेखदे आ गुरु प्यारिओ पुछिआ भी जांदा भी कित्थों आई किधरों आई है, सब कुछ हुंदा अज तां भाव चिंता, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, पातशाह कहिंदे ने जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता, जिहदे कोल थोड़ी है वह भी भाई सुखी नहीं, पातशाह कहिंदे वह बेचारा भरमां विच तुरिआ फिरदा, जतन करदा भी इधरों आ जाए इधरों आ जाए इत्थों बना लईए, पासा कहने ने दोहों व्यवस्था ते जो मुक्ता, जेड़ा दोनों व्यवस्था तो मुक्त है, पासा कहने ना बहुती ना थोड़ी, गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पासा
ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਤਜ ਮਾਇਆ ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਘਰ ਸਜਣੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਖਾਜੈ ਕਿਸ ਧਰ ਜਾਈਐ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ਪਾ ਸਕਣੈ ਤਜ ਸਾਧ। ਤਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਛੱਡ ਦੇ ਪਾ ਸਕਣੈ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖਾਣੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਹਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਦੇ ਖਾਣੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਦੇ ਭੋਜਨ ਸਕੋ ਭਾਈ, ਸਾਦੇ ਸਕੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਉਹ ਭਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲੀ ਪੀੜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਸਾਧ, ਐਸੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣੇ, ਐ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ? ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜੀਵ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਦਾ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਜੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ, ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਾ, ਖੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ। ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਆ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਗਿਆ।
एक सुख मानते हैं, तो इस करके पातशाह कहिंदे घर छड्डने रही ना कोई, किस खाजा है किस धर जाइए, कहिंदे भाई खाना जरूर है कुछ खा लो, क्योंकि खाण तो भी नहीं वरजिया पातशाह ने, पर खाण खाण विच फर्क है। एक ना तो खाना गुरु प्यारे संत महाराज क्या कर दे भाई, एक तो खाना असी जाउण लई, एक बंदे वह ने जिहड़े जाउण लई खांदे आ, एक वह ने जिन्हां ने खाना ही जीवन बना लिया अपना, खाना ही जीवन, भाव के खाण तो बिना कुछ होर है ही नहीं, उन्होंने हर समय खाण की सुजरी है, उन्होंने सब कुछ विसारिया होया, जो पातशाह ने बाणी विच आखणा कीता गना साहब कहिंदे खाना पीना हसना सौना बस आई को याद करिया होया, विसर गया है मरना मौत विसारी फिरदे है। पर पातशाह कहिंदे खसम विसार जिन्हां ने मालक नूं भुला दिता गना, खुआरी की नहीं वह खुआर हो जाते हैं, त्रिग जीवन नहीं रहना, जीवन तो किसी का भी नहीं, पर उन्होंने लाणता दी पातशाह कहिंदे उन्हां लई तरकार है जिन्हां ने खाना पीना ही सब कुछ बनाया होया, तरकार उन्होंने लाणत दी बाणी विच साहब जी ने। इसे करके साहब सानू कहिंदे कुछ खाओ पीओ जरूर, पर भले वाला खाओ चंगा खाओ, भाई जी दे नाल ताकत बनी वह खाओ। इसे करके साहब ने रोकिया नहीं पातशाह कहिंदे किस खाजा है किस धर जाइए, कुछ कहिंदे छड्ड भी जाइए संसार ते, बड़े ऐसे जीव ने क्योंकि सारिआं नूं समझाउंदा साहब, बड़े ऐसे ने जिहड़े अगाह नहीं दे जो कहिंदे बस जीवत संसार में जिन्ना कुछ आ अपना खा लईए सब कुछ, पिछे ना कहिंदे कुछ किसी नूं कुछ छड्ड के जाइए, सब बर्बादी करदे आ। वो कहिंदे चार दिन का जीवन है ऐसो आराम करिए, सब कुछ भाई नशे विशे बकारा विच पै के सब कुछ बेच वट दिंदे आ, ते पिछलियां नूं गुरु प्यारे बड़ियां नूं औखा करदे आ, बड़े जीवां दा दिल दिखाउंदे आ, सब बर्बादी करती माड़े कर्मा विच पै के, ते पातशाह कहिंदे प्यारिया कुछ छड्ड के जा संसार ते छड्ड के, क्योंकि पातशाह ने की आखना किया बाणी विच बड़ी हवाले ने, हुण समा नहीं इजाजत दिंदा। पातशाह कहिंदे ने चार रोज का तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान, अबर वस्त तुझ पाही अमान, पातशाह कहिंदे तीन क शेर का तू दिहाड़ी का मेहमान, इन्ना क खाना खा सकता बंदा वध तो वध। पातशाह कहिंदे ने भाई इन्ना क बाकी का समझ के यह सब कुछ अमानत है तेरे को, अबर वस्त तुझ पाही अमान, अमान का भाव ना अमानत, ते अमानत की हुंदी है जिहड़ी किसे दी सांभ के साडे कोल रखी होवे, लोड़ पैण ते अगला मंग लवे, समें नाल अगले नूं देनी पैंदी आ अमानत किसे दी, ते अमानत उपर हक नहीं जताईदा हुंदा अपना, भाव के भी जिन्ना क साडा खाणा पीणा भाई जिंदगी विच उन्ना क वरत लईए सही तरीके नाल, ते बाकी साडा तां इत्थे ही जाणा, भाव बर्बादी वाले पासे नूं ना तुरीए। बड़े कहणगे मैं नहीं तुहाडे लई कुछ छड्ड के जाणा, बस सब कुछ मैं इदां कर दांगा जी वो कर जांगा, इन्हां गल्लां तों सतगुरु जी सानू वरजदे आ, कहिंदे प्यारिया किस धर जाइए को छड्ड जा, क्यों, क्योंकि पातशाह कहिंदे जे बहुत दुनिया आई है यह रखिए मन विच भी कितने फिर भी आना पए कि ना सानू वरतण नूं कुछ मिल जाए, फिर भी आना पै जाए, भाव यह कहिंदे आ भी दुबारे मिलण दी आसा रख के। आम सियाणियां दी कहावत है भी हसदे सज्जन छड़िए भाई फिर मिलण की आसा, भी उही भाव के जे आपां दुख दे के संसार नूं चले आ ते फिर अगो याद कादी फिर रहेगी, कोई नहीं रही, भाव के इसे करके पातशाह सानू समझाउंदे आ भी कुछ भाई खाणा पीणा ठीक है लोड़ मुताबिक, किस धर जाइए जे बहुत दुनिया आई है, अगे पा सकते सज काया पट हंडाए फरमाइश बहुत चलाए, पातशाह कहिंदे सज काया, सज दा सजाउंदा काया नूं, काया शरीर नूं कहिंदे आ, कहिंदे शरीर दे उपर पट हंडाए, पट की नूं कहिंदे आ रेशम नूं, कहिंदे रेशमी वस्त्र इत आदिक यह शरीर ते पहनदा करदा है, फरमाइश बहुत चलाए, फरमाइश दा भाव हुक्म चलाउंदा जीव इत्थे संसार दे विच, पर पासा की कहिंदे अगे कर सेज सुखाली सोबै हथी पौदी काही रोबै, पासा कहिंदे कर सेज सुखाली सोबै, कहिंदे बस आ खाने पीने नूं सोहणे पौणे हंडाउणे नूं
इन्हां नूं तो सब कुछ समझ लिया। पातशाह कहिंदे ने मालक नूं भुला के प्यारिया सोहणिया सोहणिया सेजां दे उपर छौना है, पर जो आखिर समा आउंदा पातशाह कहिंदे हत्थी पौधी काही रोब है। कहिंदे जो हाथ घड़ियां पैंदियां ने कहना आखिर समा आउंदा जिहड़ा जिहदे परथाए पातशाह ने आखणा कीता है बई भाई संसार दे विच आया, संसार ते जे मालक नूं भुल गया इत्थे हुक्म चलाउना। ते पातशाह कहिंदा फिर आम यह शब्द पढ़िया जांदा बई वड्डे वड्डे राजिआं दे गल पै गई संगलां दी माला, गल संगल घत चलाया वड्डा हुआ दुनियादार, गल संगल घत चलाया। पातशाह कहिंदा भी दुनिया दा होवेगा तू वड्डा दुनियादार, भी मैं बहुता वड्डा दुनिया दे विच। पर पातशाह कहिंदे प्यारिया मौत नूं तां उसे मुतलक लैके जाणा जो कानून उहदी विधि विधान है। कहिंदे संगल पै जांदे आ फिर इह हुंदा थाउ ना उह भी पौधी हुण सुणिया क्या रुआया। कहिंदे फिर रोणे धोणे बड़े वड्डे वड्डे दुनिया विच अखवाउण वाले अपने आप नूं नवी कहां पर रोंदे वेखे संसार विच। कईआं नूं अखां नाल दुनिया विच वेख्या जांदा, कईआं नूं इतिहास पढ़ सुण के गल्लां सुणिया जांदा वेख्या जांदा। ते पातशाह कहिंदे आ बई भाई उस मालक दे अगे हुक्म नहीं चलदा, उहदे अगे तां अरदास अर्ज चलदी है। इसे करके पातशाह कहिंदे ने फिर रोंदा बंदा जीव रोंदा है। पहला तां मालक नूं भुलिया फिरदा, माया विच गुलतान होके किसे दी सुणदा नहीं है, अंध धुंद विच तुरिया फिरदा, ना किसे दी मनदा ना किसे नूं भले बुरे वेखदा, अपनी मर्जी करदा है। क्योंकि जिन्हें माया नूं ही सब कुछ समझ लिया, पातशाह बचन कीते आपां बड़ी बार पढ़दे हां साहिब कहिंदे ने माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कझोला। पातशाह कहिंदे जिहड़ा जिन्हें माया धार ली, धारन दा पा मन च टका ली भी मेरे कोल तां बहुत ही माया, मैं किहदे लैण दा। बड़िआं दा हुंदा कि ना इह मन भी माड़े कर्म करन लगे वेखदे नहीं भी बहुत ही माया साडे कोले, दे लै के कम्म सिट कर लांगे, बड़िआं दा हुंदा। पर पातशाह की कहिंदे ने माया धारी है जिहड़ा वह अंधा हुंदा अखां करके अन्ना नहीं। पातशाह कहिंदे उह किसे नूं वेखदा नहीं भी आह कम्म मेरे करन वाला कि नहीं करन वाला, यह अपना कि बेगाना, कुछ नहीं वेखदा, वड्डी तुरिया जांदा। पातशाह कहिंदे ने अत अन्ना ते नाल कहिंदे बोला, कहिंदे बोला भी हुंदा, कन्ना करके बोला नहीं सुणदा सब कुछ हुंदा, पर बोला किवें हुंदा उहनूं लख कोई समझावे ना भाई आउणा कर, धक्का नहीं करीदा हुंदा भाई, गरीब मार नहीं करी दिंदी भाई, वड्डियां नहीं लईदियां हुंदियां। पर जिहड़ा माया धारी है जिन्हें माया ही टकाई है, सुरत विच माया नाल ही सब कुछ करना, ते उह नहीं सुणदा किसे दी, उह कहिंदा मैं तां माया लैणी है तां आह कुछ करना, मैं तां माया लई सब कुछ करांगा ते मैं नहीं किसे दी सुणदा। उह सुणदा किसे दी नहीं। पातशाह कहिंदे ने शब्द ना सुनी बहु रोल कझोला, अपनी रोले कझोले पाउंदा रहिंदा है जिहड़ा माया धारी है। ते पर जदों उस मालक दा भाणा पुठा चलदा है, इउं कह लईए आपां जदों उह मेरा वाहिगुरु फल भगतांदा है, ते फिर ऐसे गुरु प्यारे रोंदे ने करलाउंदे आ फिर कोई सुणदा नहीं। उहनां परथाए ही सतगुरां ने आखणा कीता भी करना हो तो सो ना कियो, पर इउं लोभ कै फंद नानक समियो रम गयो अब क्यों रोब तंद। कहिंदे फिर हुण फिर सियाणे कहिंदे आ भी हुण रोण दा की फायदा जदों समझाया सी समझिया नहीं, जदों बिगड़ जांदा काम फिर गुरु प्यारे बड़े मिन्नता करदे आ। ते फिर सियाणे जिहड़े पहला समझाउंदे हुंदे आ ना उह कहिंदे भी है भी प्यारिया तेनूं समझाया सी रोकिया सी रुकिया नहीं, ते अज हुण तेरा कोई इलाज नहीं हो सकदा। इह इतिहास भी आपां पढ़दे आ गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह समें दा प्रेमे दा, जिहड़ा इक धनाड़ दा पुत्तर सी, सुनिया नहीं कुछ बड़ा समझाया माता पिता ने, माड़ियां बहबतां विच पै गया गुरु प्यारे, ऐसा रोग लग्गिया सी कोड़ी बन गया सी, कोड़ दा रोग रहो विचार आओ हुण समा नहीं है। सतगुरु जी कहिंदे फिर आखर यही कर्म हुंदा भाई, फिर रोना पैंदा हाथी पौधी काहे रोवै, ते आखर विच जाके साहिबा रहमत कर जा घर कुमण वाणी भाई, पाप पत्थर तरन ना जाई भौ बेड़ा जियो चढ़ाऊ कहो नानक दे बै काहू। पातशाह कहिंदे घर घुमण बाणी भाई, घुमण बाणी कहिंदे भाई बस इह सब कुछ घुमण घेरियां इने घुमण घेरियां पाप के इह संसार विच असीं घुमण घेर घेड़े कढ़दे हां। बई जे आह शरीर मिलिया, कल पिछला शब्द वी आपां पढ़िया साहिब दा,
भी अमृत वेला पातशाह ने आखना किया भी जिहड़ा मनुखा जन्मा समझ लो कि अमृत वेला भाई अमृत वेले जो कुछ आप अमृत वेले करते हैं आम ही कहावत है भी भाई अपना दिन आरंभ होंदा कहना भी अमृत वेले चंगा कर्म हो जाए तो सारी जिंदगी सारा दिहाड़ी चंगी लंघती है जे माड़ा व्याह लगा कहना अच्छा तो सवेरे सवेरे आ कुछ हो गया अज नहीं खैर बड़े कहते भी अज सारा दिन साडा माड़ा लंघिया सवेरे ही आ कुछ हो गया सी फलाना मत्थे लग गया इं भी कह दें तो उ पातशाह कहते आ जड़ा भाई मनुखा जामा साडा अमृत वेला इस अमृत वेले भाव आ शरीर ना चंगा कर्म करांगे तो अगे चंगा ही चंगा है जे आ शरीर दे नाल इस अमृत वेले नू ना संभालिया ना चंगा कर्म किया तो पातशाह कहते ते फिर अगे भाई घूमण घेरिया फिर माड़ा ही माड़ा है फिर कोई चंगा नहीं है फिर माड़ा ही है इस करके साहबा ने यह सानू समझा किया घर घूमण बाणी भाई पातशाह कहते पाप पत्थर तरन ना जाई जेडे पाप होंगे ये पत्थर की न्याई है जे पाप कर्म करते हैं पातशाह कहने ने बस पाप पत्थर है भाई पत्थर कदे पानी विच तरिया नहीं यह संसार समुद्र है इस समुद्र चो लंघन के लिए भाव कि इन्हों पापा तो बचना पेगा पर साहब कहने पाप चंगे लग जा सानू पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे बसतारा इस करके साहब कहते पाप पत्थर तरना जाई भाओ बेड़ा जियो चढ़ाओ पातशाह कहते भाओ जिहड़ा मालक का सच्चा डर है असल ये बेड़ा भाई बेड़ा बेड़े नाल पार लंघिया जाता साहब कहते मालक का जे तो मन में साडे डर है तो समझो असी सच्चे बेड़े च चढ़े हुए हैं इस बेड़े ने डर ने मालक ने पार ला देना साहब कहते भाओ बेड़ा जियो चढ़ाओ साढ़े जियो जिंद मन इस बेड़े चाह लिए मालक ने डर रखीए पातशाह कहने कहो नानक देवे काह गुरु नानक पातशाह कहने है भाई है किसे किसे नू ये सच्चा बेड़ा मिलता मालक का डर किसे किसे दे मन विच है गुरु कृपा करो साडे मन विच आ जाए असी अपनी जिंद नू मन नू ये सच्चे बेड़े चाड़ीए ते साडा भी किते पार उतारा हो जाए गुरु साहब के चरणा विच अर्ज करी सच्चे पातशाह तुहाडा सच उपदेश विचार बाणी ये शब्द साडे हिरदे घर विच वस जाण कदे भुलीए ना तेरे डर विच रहीए तेरे गुण गाइए मालक जी असी अपने जीवन नू पार लाइए कृपा कर दो साडे सभना ते आओ मंग मंगीए प्यार विच साहब दे चरणा चो सतगुरु जी रहमत करो बिसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चावे हो हुना भुलां दी खिमा बख्शिश करनी कुछ क समा गुरमंत्र द्वारा सान पाइए प्रेम सहित सारी संगत आखना करो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे